हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है एक्सप्लोरर्स का, आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे मुझे एक और अनदर ट्रैक पे। और ये ट्रैक हम लोग ने स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो बताएंगे, पर अभी हूँ कहाँ पे, मैं इसको डिस्क्लोज करते हैं। तो अभी मैं हूँ जौ विलेज में। तो जौ विलेज कहाँ है, कैसे पहुँचा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फ्लैश बैक में। चलते हैं थोड़ा फ्लैश बैक में, फिर मिलते हैं हम आपसे आगे की अपनी स्टोरी बताते हैं। पहले ये स्टोरी सुनिए। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी लखनऊ से। तो लखनऊ से हम लोग न्यू दिल्ली होते हुए सीधे पहुंचे पहले शिमला। शिमला करीब 700 किलोमीटर था मैं लखनऊ से। उसके शिमला से ही हमने डायरेक्ट फिर रामपुर के लिए बस ली, और रामपुर से करीब 10 किलोमीटर पहले दत्तनगर है, दत्तनगर पे हम लोगों ने बस को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया टुवर्ड्स देवढांग। ये है देवढांग। ये रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता है, बहुत बड़े से नंदी जी हैं और शिव जी की मूर्ति है। तो यहाँ पे दर्शन करके हम लोग सीधे निकल गए देवढांग, और हम लोग पहुँच चुके हैं देवढांग। इस समय देवढांग माना जाता है श्रीखंड यात्रा के लिए सबसे पहला पड़ाव है। यहाँ पे आप अगर आएंगे तभी आपकी श्रीखंड महादेव की यात्रा पूरी होती है। तो चलते हैं आगे देवढांग में। यहीं पे महादेव ने आके आसन ग्रहण किया था अपना, और श्रीखंड महादेव यहीं से ऊपर गए थे। ये गुफा है पूरी जो जा रही है। जब वहां से वापस आए थे तो यहाँ पे उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया था। यही है महादेव, ये है गुफा जिसका रास्ता इतना पतला सा है। यात्रा का पहला पड़ाव हर हर महादेव। देखो यात्रा की शुरुआत में क्या है, ये है ट्रक, और भाई लोग सब लोग ले रहे हैं मजा। लिफ्ट मिली, जा रहे हैं शंभू के पास। ये हम लोगों को दिया भैया ने लिफ्ट। अब ये लिफ्ट ट्रक पे लिफ्ट लेके आ गए हम लोग। ये है निर्मंड, निर्मंड। तो निर्मंड से करीब 30 किलोमीटर आगे है जौ विलेज। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर से लिफ्ट ली। अभी जैसे ट्रैक पे लिफ्ट ली थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने इस डाले पे लिफ्ट ली, और इसी तरह इस सीनरिक वेदर को और सीनरिक व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग निकल चुके हैं अपने जौ विलेज के रास्ते पे। तो पहुँचते हैं फिर जौ विलेज इसी तरह। ये जौ का रास्ता है जो कि ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ तक गाड़ी आगे जा नहीं सकती है किसी भी तरह। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, हम लोग को भाग के निकलना है यहाँ से, भागते हुए जाना है यहाँ से। अरे बाप रे बाप, पूरा ओ शिट, ये जूते की हालत, शिट पूरा शूज गया। ये रास्ता जा चुका है, जा सकते, पूरा जा चुका है रास्ता। ये अभी हम लोग का पहला पड़ाव है, पहला भी नहीं, अभी तो हम लोग का पड़ाव ही नहीं शुरू हुआ है। महादेव की कृपा पूरा। वो देखो यहाँ से गिर रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं, आजा आजा यहाँ से निकलते हैं, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव, जय शंकर। लैंडस्लाइड इसे कहते हैं। सब खत्म। इन रूट टू जौ विलेज। सब भाग के निकल रहे हैं, हमको भी भाग के जाना है क्योंकि ऊपर से अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। तो जस्ट रन एंड रन, दिस इज टेंपल रन पार्ट 15 विद एक्सप्लोरर्स स्काई। होप यू एंजॉय, आई एम एंजॉयिंग वेरी मच।
हाँ जी, तो आगे आप लोग फ्लैशबैक से बाहर अब अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। अब तक तो पता चली गया होगा कि हम लोग श्रीखंड महादेव, जो दुनिया की सबसे कठिन और एक पंच कैलाशों में से एक कैलाश में आता है, उसकी यात्रा करने जा रहे हैं। तो अभी बज रहा है रात का ऑलमोस्ट 2, हम लोग यहाँ से अपनी ट्रैक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रात के 2 बजे क्यों कर रहे हैं वो आगे भी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, अपनी यात्रा हर हर महादेव का नाम लेके। चलिए आपको इस सुहाने सफर में सुहानी सुहानी चीजें दिखाते हैं। ये है जाओ विलेज, रात के अंधेरे में हम लोग जा रहे हैं। ओके, हम और शिवम है, अभी शिवम से भी मिलाएंगे, थोड़ा सा उजाला हो जाएगा। रात का भी 2 बजा हुआ है तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग भी नहीं करना है। तो यहाँ से ही ऐसे अभी ये रोड जाती है आगे, उसका 2 रास्ते कटते हैं वहाँ से हम लोग को नीचे के साइड जाना है कच्चे रास्ते पे। बस सिंपल सा ये रास्ता है अभी। तो सबसे पहले हम लोग को पड़ा हुआ है थाचरू, तो नहीं सॉरी सबसे पहले पड़ा हुआ है हम लोग को सिंगाड़। तो हम लोग सिंगाड़ जा रहे हैं अभी, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा दूर पे अभी चल के। हर हर महादेव। फर्स्ट फेल्ड अटेम्प्ट है, रात के 2 बजे स्टार्ट किया था। मिट्टी ये नीचे दिखा दो, जूता स्लीपर्स ये देखो, इतनी इतनी मिट्टी से वापस आया, आगे लैंडस्लाइड थी। यही है विश्व की सबसे कठिन यात्रा मेरे साथ और मेरे भाई वेंडर शिवम के साथ। कैसा लग रहा है अभी वापस आके? अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर महादेव की जो इच्छा तो है। जाना है, आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, लेकिन अभी एक दिन हॉस्टल ले लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, फुल एकदम फ्रेश मूड से आए, क्योंकि ये इतनी मिट्टी से होके आए हूँ, दिख सकता होगा अब पूरा हालत क्या है, पूरा मिट्टी। चलो हर हर महादेव, अगला अटैम्प्ट फिर से करेंगे। कल रात जो हमने शूट किया वो था हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट हम लोग का, तो पता है फेल हो गया, क्योंकि जस्ट इधर ही आगे एकदम ऊपर थोड़ा सा जाके वहाँ पे हो गया था लैंडस्लाइड, जो कि मैंने अभी नहीं बताया था। उस समय स्लश नहीं था, वो लैंडस्लाइड थी, हम लोग के सामने हुई थी, तो उस लैंडस्लाइड से अंदर घुस के आए थे। तो अब ऊपर तो बंद हो गया, ये जा नहीं सकते क्योंकि अभी खुलेगा नहीं ये पक्का, मतलब कि एकदम कन्फर्म बात होगी कि अभी ये कम से कम ये लैंडस्लाइड नहीं खुलेगी, 10 दिन तो नहीं खुलेगी, और प्रशासन का वैसे भी अभी मना ही है। तो अब हम लोग ने ये सोचा है कि हम लोग अब जा रहे हैं दूसरे कैलाश, अब ये इस कैलाश नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे कैलाश जा रहे हैं। इस कैलाश भी आएंगे लौट के, अभी लौट के फिर से आएंगे यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करके हम लोग दूसरे कैलाश निकल रहे हैं। तो वही पैक वैक कर लिया है सब सामान, निकलने हैं अब। यही गाड़ी जाएगी नीचे, हम लोग को रामपुर छोड़ेगी, तो अब रामपुर जाते हैं। तो रामपुर के आगे की कहानी फिर बताते हैं, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है लेकिन मज़ा जरूर आएगा, देख के रहना कहानी।